यस, हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेट करे, जो संबंध स्थापित करे, यानी ये प्रोनाउन नाउन का सेंटेंस के बाकी पार्ट से संबंध स्थापित कर देता है। दिस इज़ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट, तो हु इसमें है वो बॉय के लिए बता रहा है कि कौन सा बॉय, तो रिलेशन पैदा कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्न पूछना। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का काम करें वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे हु, होम, हूज, विच एट्सेट्रा। अब आपको ये तो पता है कि इन वर्ड्स का यूज़ हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न भी हो रहा होगा कि ऊपर भी हु है यहाँ पे भी हु है, ऊपर भी होम है यहाँ पे भी होम है। चलिए क्लियर करते हैं इस चीज़ को। देखिए, यू आर द मैन होम ओई आई वॉन्टेड टू सी। अब यहाँ पे होम, ये तुम वही व्यक्ति हो जिसे मैं मिलना चाहती थी। होम को किससे रिलेट कर दिया? मैन से। तो जब ये रिलेट कर रहा है तो रिलेटिव हो गया। मैं कहती हूँ होम डू यू वॉन्ट टू सी, आप किसे मिलना चाहते हो, तो प्रश्न पूछा जा रहा है। जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो इंटरोगेटिव। क्लियर है? नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? दिखाना, प्रदर्शन करना। दिखाने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। यह, वह, ये और वे। ठीक है, देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, हम इनको कैसे याद रखेंगे? दिस और दैट दोनों सिंगुलर यानी एक वचन के लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज और दोज दोनों प्लूरल यानी बहुवचन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब दिस और दीज, ये दोनों नियरनेस के लिए, नज़दीकी दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो चीज़ हमारे पास ही पड़ी है उसके लिए हम दिस कहते हैं, और दैट और दोज ये दोनों फारनेस यानी दूरी दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मैं कहती हूँ दिस इज़ माई बुक, यानी ये किताब मेरे पास ही पड़ी है, ये मेरी है। ठीक है, और मैं कहती हूँ दैट इज़ योर बुक, यानी वो जो दूर पड़ी है वो तुम्हारी है। समझ में आ गया? देन डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बांटना। जिन वर्ड से हमें पता चले कि कोई चीज़ बांटी जा रही है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज टू ईच वन, यानी हर एक को एक मिलनी चाहिए। तो जो वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट का काम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। देन रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल क्या होते हैं? उल्टे। कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं आपस में एक दूसरे को, जैसे ईच अदर एक दूसरे को, वन एन अदर एक दूसरे को, दोनों का मतलब एक दूसरे को है, लेकिन वन एन अदर हम दो लोगों के लिए यूज़ करते हैं। एक दूसरे को दोनों ने मिठाई खिलाई, एक दूसरे को दोनों ने मारा, वन एन अदर। जब एक से ज़्यादा है और आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं तब हम ईच अदर का यूज़ करते हैं। तो ईच अदर और वन एन अदर दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। देखो, द बॉयज गेव ब्लोज टू वन एन अदर, यानी दो लड़के थे दोनों ने एक दूसरे को मारा। द गर्ल्स वर हेल्पिंग ईच अदर, लड़कियाँ एक दूसरे की मदद कर रही थी, यानी एक से ज़्यादा लड़कियाँ थी तो ईच अदर। देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, हिम सेल्फ एट्सेट्रा, और इम्फेटिक प्रोनाउन में भी माई सेल्फ, योर सेल्फ एट्सेट्रा। अब दोबारा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। याद रखने का तरीका क्या है? इम्फेटिक यानी जो इम्फेसिस डाले, जोर डाले, किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है? दोनों में वही यूज़ होगा, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ। इसमें जो माई सेल्फ था ये लास्ट में चला गया, वर्ब के नाउन के बाद आ गया, तो ये रिफ्लेक्सिव है। और आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, तुरंत आई के बाद, सब्जेक्ट के एकदम बाद अगर सेल्फ का यूज़ हो रहा है तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन है। सो बेटा, दीज वर द प्रोनाउन्स। एक बार इनको दोबारा देख लीजिए, अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।